students, welcome to the CM classes. Students, today we will discuss about some more rules of subject verb agreement. Students, when two or more singular subjects are connected by these words, अगर दो या दो से अधिक subjects को इन शब्दों के द्वारा अगर जोड़ा जाए, then the verb is in singular form. की जो हमेशा verb या helping verb होती है वो हमेशा एक वचन में होती है. Okay students, the words कौन से हैं? With, as well as, together with, and not, in addition to, besides, no less than, except, nothing but, rather than. Okay students, आपने ये ध्यान रखना है कि अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को इन शब्दों के द्वारा, इन वर्ड्स के द्वारा अगर जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा इसमें होगी सिंगुलर फॉर्म में होगी. फॉर एग्जाम्पल, द शिप विद इट्स क्रू. ओके स्टूडेंट, क्रू क्या होता है? चालक दल. ओके स्टूडेंट, वॉज लॉस्ट. हालांकि क्या चीज है जो क्रू है, ये प्लूरल फॉर्म में, लेकिन हमने जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है? विद, विद से पहले जोड़े गए वर्ड के अकॉर्डिंग. ओके, तो पहले जोड़ा गया वर्ड कैसा है? सिंगुलर है. सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी लगा दी हमने? सिंगुलर लगा दी. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स. ओके, हिज पेरेंट्स क्या है? प्लूरल है, लेकिन हमने जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इस वर्ड से जोड़े गए पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है. तो राम सिंगुलर है तो राम के अकॉर्डिंग यहां क्या आ गया? इज आ गया. ही, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? ही नो लेस देन यू. यू किसमें है? सब्जेक्ट, प्लूरल में होता है, लेकिन हमने जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाना है किसके अकॉर्डिंग लगाना है? नो लेस देन से पहले जोड़े गए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? ही के अकॉर्डिंग इज आ गया. ओके, नेक्स्ट क्या है? नो बिसाइड्स, नो वन बिसाइड्स द नर्स नोज द सीक्रेट. तो हमने क्या करना है? बिसाइड्स के अकॉर्डिंग, इससे पहले जोड़ा गया जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या लगानी है? वर्ब लगानी है. स्टूडेंट्स, मैं आपको अब 5 सेकंड्स दे रहा हूं, तब तक आप इसे नोट करें. स्टूडेंट्स, हियर वी कम्स विद द नेक्स्ट रूल. वेल स्टूडेंट्स, कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड बाय नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, द वर्ब एग्रीज विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट, कि जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट्स को नीदर नोर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है. इन अदर वर्ड्स, और या नोर के बाद या बट आल्सो के बाद जोड़ा गया जैसा वर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है. फॉर एग्जाम्पल, नीदर राम नोर हिज फ्रेंड्स. स्टूडेंट्स, तो आप ये देखो कि नोर के बाद जोड़ा गया वर्ड क्या चीज है? फ्रेंड्स है. फ्रेंड्स क्या चीज है? प्लूरल है. ओके स्टूडेंट, तो जो हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने क्या किया था? जो हम रूल पहले किया है उसमें क्या था? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना था, लेकिन अब क्या है? अब बाद वाले, मतलब और या नोर के बाद जोड़े गए शब्द के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? इधर शी और हिज पेरेंट्स. अब यहां क्या होगा कि जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो किसके को लगेगी? इसके अकॉर्डिंग, मतलब और या नोर के बाद जोड़े गए शब्द के अकॉर्डिंग. ओके, आर मिस्टेकन, नीदर डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन. ओके स्टूडेंट, यहां देखो डायरेक्टर्स किसमें है? प्लूरल में है, और नोर के बाद क्या चीज है? सिंगुलर है. तो जो हमने वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो और या नोर या
बट आल्सो के बाद जोड़े गए वर्ड के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहां वर्ब हेल्पिंग किसके अकॉर्डिंग लगेगा? चेयरमैन के अकॉर्डिंग। ओके, नीदर डायरेक्टर्स नोर द चेयरमैन वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? ये जो हमने मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ईदर, नीदर, ओके, ईच, एवरी एंड एवरीवन। ओके स्टूडेंट्स, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर ऑफ टू ब्रदर्स। अब यहां आप देखो क्या चीज है, ये प्लूरल है लेकिन सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज हुआ है? ईदर यूज हुआ है। तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या अभी इज। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नीदर ऑफ दीज टू रोड्स। टू रोड्स ये किसमें है? प्लूरल में है लेकिन जो वर्ब लगेगी वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है हम, क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है नीदर, इसलिए इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। तो क्या आ जाएगा? लीड्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये प्लूरल होता यहां पर तो यह क्या आता? लीड होता, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में नीदर आया हुआ है तो इसलिए यहां क्या यूज होगा? लीड्स। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एवरीवन ऑफ द गर्ल्स। एवरीवन ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स किसमें है? प्लूरल में है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब या हेल्पिंग नहीं लगाना हमने, बल्कि एवरीवन जो कि सब्जेक्ट के रूप में आगे आया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। तो क्या आया? एवरीवन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स हर ड्रेस। वेल स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गिविंग टू यू 5 seconds, देन नोट इट। वेल स्टूडेंट्स, आवर टूडेज लेक्चर हैज बीन कंप्लीटेड। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टिल देन स्टे होम, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।